आपने दावा किया था कि यूपीए की सरकार बनेगी, आज फिर दावा दोहराएंगे क्या आप इस परिणाम को देखने के बाद भी? मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, तो आज आप अपनी उस राजनीतिक भूल को एक्सेप्ट करेंगे? मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा और ये भी मानूंगा कि आपका जो अनुभव है वो मुझसे ज़्यादा मजबूत निकला, तो इसको एक्सेप्ट करने में कोई मुझे शर्मिंदगी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। ये तो रिजल्ट हैं और डेमोक्रेसी के अंदर यही एक स्पिरिट होना चाहिए, आप जीतो या हारो। तो आप क्या कहेंगे देश की जनता को, शुभ बधाई देंगे और ये मानेंगे कि आप कल जो ईवीएम के बारे में सवाल उठा रहे थे वो कहीं आपकी गलती थी, क्योंकि अंततः बीजेपी को भी ये जीत उसी ईवीएम ने दिलवाई है जिस पर आप सवाल उठा रहे थे? देखिए, हम ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे थे, हम लोग सिर्फ वीवीपैट की काउंटिंग और उसको मिलान को लेकर के आवाज हमने उठाई थी और वो हम आज भी उस पर कायम है। दूसरी अहम बात, आपने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों पर लड़ने की कोशिश पूरी की, हमने बेरोजगारी का मसला उठाया, हमने किसानों का मसला उठाया, हमने डिमोनेटाइजेशन का जो डिजास्टर हुआ था उसको सामने लेकर के आए, पेट्रोल डीजल एलपीजी क्रोसिन के दाम जो आसमान पर पहुंचे, रुपया धड़ाम से नीचे गिरा डॉलर के मुकाबले में, महंगाई बढ़ती चली गई, इन सब चीज़ों को हमने उठाया। उसके अलावा भी बहुत मुद्दे उठाए जी, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने आखिरी दो महीने के अंदर नैरेटिव जो है वो चेंज कर दिया और वो इस पूरे नैरेटिव को मुद्दों से हटा करके नेशनलिज्म और फौज के शौर्य पर लेकिन मीम अफजल साहब चीजों को उन्होंने इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। मीम अफजल साहब, क्या आपको कहीं लगता है कि मतदाताओं के जहन में एक सोच ये भी थी कि देखिए साहब, 10 साल जब यूपीए की सत्ता थी बेरोजगारी तब भी एक बड़ी समस्या थी, साल में 12,000-13,000 किसान तब भी खुदकुशी कर रहे थे, लेकिन अब स्थितियां थोड़ी अलग नजर आती हैं क्योंकि यहां पर करप्शन का आरोप नहीं लगता है मौजूदा सरकार पर, जबकि यूपीए में 11,00,000 करोड़ रुपए के आरोप का बीजेपी लगातार हमला करती रही आपके ऊपर, कहीं ट्रस्ट डेफिसिट था क्या? आपको लगता है कि आप उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम नहीं कर पाए? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि यूपीए के आखिरी दो साल में हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया उसका असर मैं ये मानता हूं कि आज भी थोड़ा बहुत बाकी है। दूसरी अहम बात, आपने कहा कि करप्शन दिखाई नहीं देता, आप जमीन पर चले जाइए, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आपको करप्शन नज़र आएगा और पहले से ज़्यादा नज़र आएगा। ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश की मिसाल मैं आपको देता हूँ, वहाँ करप्शन बहुत बड़ा है। दूसरी अहम बात यह है कि जहाँ तक करप्शन की बात है, ठीक है, आज भी जो रफाइल का मसला है वो कोर्ट के अंदर है, लेकिन आने वाले वक्त में हम इसको छोड़ेंगे नहीं और हम इसको लेंगे और हम यह साबित करेंगे कि हम गलत नहीं थे, मोदी जी गलत थे। दूसरी अहम बात मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए के देश के अंदर डेमोक्रेसी है, ये 130 करोड़ लोगों का मुल्क है और 130 करोड़ लोगों के मुल्क के अंदर किसी एक इंडिविजुअल को लीडर बना करके आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ले जाएं अगर देश को, तो ये देश के लिए घातक। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये नारा भी इस देश ने देखा, बीजेपी आपसे सवाल कर सकती है। इनके पार्टी अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने नहीं लगाया था, हमारे ऊपर भी उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है जी, हमारे ऊपर भी उसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन बीजेपी ने अफजल साहब कोई मीम अफजल साहब बीजेपी ने इंडिया इज इंदिरा की तरह कोई नारा नहीं लगाया।